शहर क्षेत्र के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा शाखा प्रभारियों की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी डॉक्टर कौसदुम, एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे, सीओ कोतवाली बीपी सिंह सहित शहर के थानों के थानेदार मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने थानादार अपराध की समीक्षा की तथा अपराध व अपराधियों व प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान पैदल गश्त में और प्रगति लाने, अपने अपने थाना क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित होने वाली घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्वरित कार्रवाई करने, लूट व चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी किए जाने, सभी सीओ को धारा 419, 420 के अभियोग जो लंबे समय से लंबित चल रहे हैं निस्तारण हेतु उनकी मॉनिटरिंग करना, शीघ्र निस्तारण किए जाने, लंबित गैर जमानतीय वारंट का शत प्रतिशत तामीला कराना सुनिश्चित किए जाएं, अवैध शराब का निष्कर्षण एवं बिक्री रोके जाने, यातायात व्यवस्था को सुगम व सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिक्रमण पर विशेष ध्यान दिए जाने तथा जहां पर एक बार अतिक्रमण हटवा दिया जाए स्थानीय थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी ये सुनिश्चित करें कि दोबारा वहां अतिक्रमण रोके जाने पर चर्चा की गई और निर्देश दिया गया कि पुलिस के जवान थाने पर आएँ, फरियादियों से नम्रता से पेश आएँ। बैठक के संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आप देखिए कैसे अंदाजे से काम करते हैं। और सर्किल अफसरों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके कामकाज की समीक्षा का सबसे तरीका यह है कि अगर आपके पास तीन थाने हैं, यू शुड नो 1/3 FIR ऑफ ईच एवरी पुलिस स्टेशन। आपके पास दो थाने हैं, आपको आगे क्यों, जब आप थानेदार से अपेक्षा करते हैं तो उसको 1000 FIR आपकी पता होगी, 500 केस जो उसके लगे पूरे पता हो उसको। आपके पास अगर दो थाने हैं आपको तो कम से कम उस थाने के आधे केसेस के बारे में पता होना चाहिए। हर थाने में और ये बन रहा है, आपने दस बजे कभी होता है सर, वो कोई दबा कुचला जो भी होता है वो नहीं आता, बाहर खड़ा है पूरा बार, एक जगह जाना उधर गरीब आदमी है जो भी करेंगे, बेचारी दो महिलाएं आई हैं ठंडे के दिन, जल्दी है उनका मन ऐसे थोड़ी। टोटल 500, अभी टोटल कितना है? 500 जनता के लिए चलाइए, नेता के लिए चलाइए। जी, ये सिटी जोन की मीटिंग थी जिसमें तीन सर्कल्स थे, गोरखनाथ, कोतवाली और कैंट सर्किल की आज क्राइम मीटिंग थी, मासिक समीक्षा बैठक। चूँकि आपको पता ही है बीच में एसपी सिटी साहब बदल गए, जिस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, सीओज भी बदले, एक आध थानेदार भी बदले, इस वजह से डिले हुआ। और ये मासिक समीक्षा बैठक है जिसमें क्राइम के तरीके चेक किए जाते हैं और इनके टारगेट्स जो पिछले महीने दिए गए थे वो कितने पूरे हुए, क्या नहीं हुए, और जो फोकस है पिछले महीने कौन से अपराध में उछाल आई, इस महीने कौन से अपराध में उछाल आएगी, क्या प्रायिकता है, आने वाले त्योहारों में क्या क्या सावधानियां रखनी है, सभी थानेदारों, सभी गस्टेड अफसरों से बात हुई है और बेहतर पुलिसिंग देने के लिए ये सब कवायद की जाती है। हम उम्मीद करते हैं जनता को और इससे ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। कुछ वांछित अपराधी भी हैं जी, उन पर भी डिस्कशन हुआ, एक एक अपराधी पर डिस्कशन हुआ, एक एक गैंगस्टर पर डिस्कशन होता है और हम काम के जो सभी पहलुओं पर हम निगरानी रखते हैं, हम लोग का फ़र्ज़ है ये। और थानेदारों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं को भी टाइमली सुने, थाने पर बैठें और अपने आचार व्यवहार में, ख़ास तौर से जो निचले पायदान के कर्मचारी जो सीधे जनता के टच में आते हैं, संतरी जो थाने का है, संतरी का जो गार्ड है, जो थाने का मुंशी में, मुंशियात में जो बैठा हुआ सिपाही है, उसके आचार व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे और वो पब्लिक फ्रेंडली बने।